करेंगे और उसमें प्लस वन तो वो ऑलरेडी लगा चुके हैं काफी आराम से, काफी अच्छे तरीके से। इनफैक्ट वो अपने लिए कैलकुलेशंस कर चुके हैं, लेकिन दिक्कतें यहां पर होंगी जब फीनिक्स के खिलाड़ी जिनको पॉइंट्स की जरूरत है वो अनुज टू ओपी को टेक डाउन करेंगे। ये काफी सही है, सबसे पहले सबसे खतरनाक खिलाड़ी को लेकर के जाइए क्योंकि अनुज टू ओपी इनके मिरा मार्केट अपने आप को परेशानियों में देख रहा है। पीसी के कारण आज सर्कल के सेंटर को होल्ड करते हैं, फाइट करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल में हम जानते हैं वहां पे बहुत कमाल के प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस वाइज कोई गलती करते नहीं है। बट ग्लिच एक्स, एक बहुत बड़ी गलती इनके तरफ से हमें देखने को मिला। फीनिक्स तो मान चुके हैं, ठान चुके हैं कि आज यहाँ पे बेहतर ही करेंगे, तीन फिनिश तो आप लगा दे। और सबसे अच्छी बात, इस पूरे फाइट के दौरान इन्हें नुकसान हुआ नहीं है, बट ग्लिच एक्स अपने दो खिलाड़ियों को गंवा देंगे और बाकी दो प्लेयर्स की भी पोजिशन पता है इन्हें फिलहाल। वाह वाह वाह, क्या तरीके से इनफैक्ट घुसे, क्या धड़ल्ले से घुसे। और अब स्नो जॉर्ड ने सोच लिया कि आगे जाकर के फाइट लेंगे, एज एन इंडिविजुअल ये खराब डिसीजन हो सकता है। विकेट वहां पर थी जरूर, बट स्नो जॉर्ड ने विशु को गाड़ी से टेक डाउन किया। विकेट लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग, हर डायरेक्शन से उनके ऊपर आ रहे थे, एंड स्नो जॉर्ड ही टुक डाउन टू प्लेयर्स और हनी का भी उन्हें चलिए साथ मिला। क्या कमाल का यहां कंपोजर, एक खिलाड़ी को नॉक किया, द टीम कम बैक। फीनिक्स है इनके सामने और फीनिक्स अभी रुके नहीं है। पैराडाइज रिजॉर्ट जहां मेडल थी उन्होंने पैराडाइज को छोड़ा, और आप न्यूमिन फॉरएवर को देखिए उन्होंने किस तरीके से मूव किया, उस कॉन्वर्सेशन पर आएंगे। बट गोकू वंस अगेन टेकिंग डाउन द प्लेयर्स, क्या ये एक और टीम को खा सकती है ये टीम, ये खिलाड़ी, एक और प्लेयर, गोकू चौथे खिलाड़ी को भी खत्म कर जाएंगे इस सिचुएशन में अगर ऐसे ही चलते रहे। स्नो जॉर्ड वो पीछे आए जरूर और अब एक खिलाड़ी बचा है टीम कॉस्मिक का, लेकिन उनके ऊपर हावी हुई है फीनिक्स, एंड फीनिक्स ऑलरेडी हैज फिनिशेस, अ लॉट ऑफ फिनिशेस। काफी कमाल का स्टार्ट उन्हें मिला और उसको आगे लेके आते ही चले जा रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे काफी। बट दूसरी तरफ फीनिक्स, अब इन्होंने फीनिक्स कहने से ज्यादा आप टीम मैग्नेट बोल दीजिए, हर टीम उनके पास आकर के चिपके जा रही है। और देखिए कुछ इस तरीके से चिपके थे जिसके बाद जो परिणाम हो व्हीकल से निकलना चाह रहे थे, ये सरप्राइज हुए हैं यहाँ पे। टीम कॉस्मिक को बिल्कुल आइडिया नहीं था और गोकू तो सुपर सैयन मोड में जा चुके हैं, एक के बाद एक खिलाड़ी को वहां पे डाउन करते हुए। काफी अच्छा लगा उनका इस तरीके का रवैया देख के, पकड़ रहे थे मल्टीपल चीजों के अंदर आ चुके, बट कार्निवल और फीनिक्स, फीनिक्स एक ऐसी टीम जो रुक नहीं रही, क्या हेक्टर, क्या गॉब्लिन, क्या शोगन उन्हें रोक पाएंगे, क्योंकि नियो को तो टेक डाउन किया जा चुका है। गॉब्लिन थोड़े से ओपन में आए थे, खुद के लिए एक डिसेंट कवर बनाया और हेक्टर को भी टेक डाउन किया जा चुका है। हनी के ऊपर इंपॉर्टेंट फाइट, कार्निवल, शोगन इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर अ ड्रीम फॉर द सेमीफाइनल्स और अपनी टीम को लेकर के जाना है, नहीं तो सारा भार सारा दारोमदार आखिरी गेम पर आकर के रह जाएगा। इंडियस फीनिक्स द बीस्ट स्लेयर्स, बारह फिनिशेस है इस टीम के। अभी ये नहीं रुकने वाले, फिर से अगले फाइट की खोज की तरफ वो बढ़ेंगे। रॉकी भी यहाँ पे फाइट ब्लाइंड के अगेंस्ट चलती हुई, जहाँ पे ग्रेनेड एक दूसरे के ऊपर दागने की कोशिश, ब्लाइंड के खिलाड़ी वहां पे नॉक्ड है और ऐसे में अगला नॉक डिसाइड करेगा कि किन की मुश्किलें यहाँ पे पड़ने वाली है। फीनिक्स ने तीन टीमों को एलिमिनेट कर दिया और चौथी उनके निशाने पर है, डू ऑर डाई के खिलाड़ी, उन्हें टेक डाउन जरूर किया गया। अब ब्लाइंड फीनिक्स, ये 19 अंक जो इनके आए ये काफी कमाल के थे। न्यूमन फॉरएवर, हाँ वो 15 पॉइंट्स उन्होंने